नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रेशमी विद्यांत आज मैं आपके सामने पुलाव का मसाला घर में बनाना सिखाऊंगी। आप इस मसाले को मटर पनीर की सब्जी में भी दे सकते हैं, इससे पुलाव का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। और आप अगर मटर पनीर में इस मसाले को डालते हैं तो सब्जी का स्वाद भी दुगना बढ़ जाता है। इस मसाले को घर में आराम से बनाया भी जा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले हमें 7 से 8 छोटे साइज के तेज पत्ते लेने हैं। 7 से 8 छोटे साइज के दालचीनी ले लीजिए, छोटे साइज के सौंफ 2 टीस्पून, करीबन 25 लौंग ले लीजिए, काली मिर्च भी आप करीबन 25 लीजिए, छोटी हरी इलायची करीबन 8 ले लीजिए, अब इधर फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई में एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को डालें। एक बात ध्यान दें कि पुलाव का ये मसाला मैं अभी 10 लोगों के लिए ही तैयार कर रही हूँ, और मटर पनीर की सब्जी में भी इतना मसाला 10 लोगों के लिए आराम से आप तैयार कर सकते हैं। अब इधर आप सारे मसालों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें। इसे तब तक चलाएं जब तक कि मसालों से खुशबू ना आने लगे। खड़े मसालों से खुशबू आने लगी है, अब मैं गैस को ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। खड़े मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब मैं मसाला बनाने के लिए इसे मिक्सी में डाल रही हूँ और पीस ले रही हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने मसाला बनके तैयार है। मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। जब आप पुलाव या मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे तभी इस मसाले को फ्रेश बनाएं और डालें, तो इससे दोनों और टेस्टी लगेगी। लेकिन आप अगर मसाले को स्टोर करके रखते हैं तो ये मसाला ना ही ज़्यादा टेस्टी रहेगा और ना ही खुशबूदार। और अगर आपको फिर भी स्टोर करके रखना है तो 2 से 3 दिन ही रखें, इससे ज़्यादा दिन कोशिश करें कि ना रखें। मैं नॉर्मली सब्जियों में हमेशा फ्रेश बनाए हुए मसालों का ही यूज करती हूँ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।